नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नारायणी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे और क्या कह सकते हैं, खुश होंगे। तो मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, कल मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ अपनी मम्मा के साथ। तो कल मैं गई थी और इतना ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं लिया, बस घर का छोटा मोटा सामान था जो मुझे लेना था, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो ऐसे ही लोकल शॉपिंग की थी मैंने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी एक बहुत ही प्यारी चीज़ से, जो है शिवजी भगवान जी की मूर्ति, जो कि मुझे चाहिए थी जब मैंने अभी इस घर में मैंने शिफ्ट किया है। और मैंने मंदिर तो लगा लिया बट मेरे पास कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं थी, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये मुझे दिखी, मैं दुकान में गई थी मार्केट में, तो कुछ और लेने के लिए गई थी बट अचानक से मेरी नज़र गई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे चाहिए भी थी, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। और ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है शिवजी भगवान की। ये देखिए मार्बल की बनी है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। उसके बाद और मैंने लिए हैं, ये हैं चांदी के इयररिंग्स। ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिए हैं, पहले मैंने उसके लिए गोल्ड के लिए थे बट उसने खो दिए थे, वो अभी छोटी है उसको इतनी समझ भी नहीं है, तो अभी मैंने उसके लिए चांदी के इयररिंग्स लिए हैं। बहुत सुंदर है ये है। और इसके बाद मैंने लिया है ये अगरबत्ती का स्टैंड। वैसे तो ज़्यादा ये है नहीं, नॉर्मल सा ही है, सिंपल सा है, मिट्टी का है ये, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया सिंपल सा। और ये देखिए इसमें होल्स दे रखे हैं ये अगरबत्ती के लिए, तो ये लिया है मैंने। और एक मैंने ये लिया है, इसको मैं अपने घर के बाहर लगाऊंगी, इससे क्या होगा कि जितनी भी बुरी नजर होंगी वो मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, मेरी फैमिली, मैं सेफ रहूंगी, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। और एक ये मैंने बाउल लिया है, क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ और मेरे पास ऐसा बाउल था नहीं, मुझे चाहिए था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं एक इस तरीके का बाउल लूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं इसमें कोई वीडियो बनाऊँगी मैरिनेट करने की, चिकन वगैरह मैरिनेट या केक बनाने के लिए, तो उसके लिए मुझे ये बाउल बहुत ज़्यादा चाहिए था, तो इसमें मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया। ये हो गया। और मैंने लिया है ये भी मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, क्योंकि मैं वही सेम कुकिंग की वीडियोस जब मैं बनाती हूँ तो उसमें मुझे कभी मसाला पीसना होता है, कभी मुझे कोई चटनी बनानी हो या कुछ भी बनाना हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और इसके बाद मैंने ये दो क्लचर्स लिए हैं, एक मैंने अपने लिए लिया है और एक मैंने अपनी भाभी के लिए लिया है, क्योंकि मेरे पास था नहीं, उन्होंने मुझे दिया था और मुझसे वो टूट गया था, तो मैंने सोचा कि मैं दो ले लेती हूँ, एक अपने लिए और एक भाभी के लिए। ये हो गया। मैंने ली है कुछ बेडशीट्स मैंने ली हैं, एक तो ये है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी है, मैंने अपने बच्चों के लिए ली है। देखिए इसमें कैसे फेसेस बने हैं स्माइली के, अलग अलग तरह के तरफ की है। ये वाला लिया है और एक ये वाला लिया है मैंने, इसमें बना है टेडी बियर तरीके से, देखिए इस तरह की जो बेडशीट्स होती है ना या चादरें जो होती है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और एक ये मैंने लिया है, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये देखिए। और ये जो सारी की सारी बेडशीट्स है ना, ये सब कॉटन में है, प्योर कॉटन। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब प्योर कॉटन में है, ठीक है।
और ये वाली चादर है जो कि हाँ जिसमें लिखा हुआ है आई लव यू, जो कि स्पेशली मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ मजाक कर रही हूँ। तो ये सब चादरें मैंने ली हैं और बस यही सामान मैंने लिया है और आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए ही, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए जैसे आप मुझे पहले प्यार देते आए हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आगे भी आप लोग मुझे इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।